लगता है कि ये ब्रेक लाइट है, एक्चुअली मैं ब्रेक दबा के देखता हूँ कि ये जल रही है। तो ये ब्रेक लाइट है, आप जब ब्रेक दबाएंगे तो कुछ इस टाइप की आपको ब्रेक लाइट जलेगी। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है ऑल न्यू 2023 वरना। तो वरना का आप देख सकते हैं कि फ्रंट और रियर से फुली चेंज हो चुकी है, इंटीरियर में भी अब आपको चेंज है और अब वो मेटल फिनिश में हो गई है, एल्यूमिनियम में हो गई है। और यहाँ पे आप हुंडई का लोगो देख सकते हैं और ये पूरा कनेक्टिंग लाइट आप देख सकते हैं कि भाई छोटी छोटी सभी गाड़ियों में तो छोटे मोटे DRL रहते हैं, लेकिन वरना में आप देख सकते हैं कि जैसा कि फ्रंट में पूरा का पूरा ही ये सेटअप कनेक्टिंग लाइट यहाँ पे दे दी गई है, DRL का सेटअप दे दिया गया है। करते हैं तो फ्रंट से आप देख सकते हैं फुल्ली लुक इसका चेंज रहने वाला है, पूरा हेडलाइट का सेटअप चेंज रहने वाला है। DRL आप देख सकते हैं कि पूरा लंबा चौड़ा DRL इसमें आपको मिल जाता है और यहाँ पे फुल्ली LED आपको को दे दिया गया हेडलाइट का। इंडिकेटर आपको ऑब्वियसली यहीं पर मिलते हैं जो कि हैलोजन में रहते हैं। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे आपको। और ये आप पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं नीचे का भी बम्पर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी दिया गया है, ये भी चेंज रहता है। बात कर लेते हैं साइड से, साइड में आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फेंडर लाइनिंग, इसकी बनावट, और ये आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ तक आप इसे काफ़ी कर्वी और काफ़ी इसे स्पोर्टी लुक दिया गया है। जो आप क्रोम में देखते थे अब सब वो मेटल फिनिश में एल्यूमिनियम में आ गई है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ मिलता है, अगर उसकी बात करेंगे बाद में। सबसे पहले टायर साइज की बात कर लेते हैं। टायर आप देख सकते हैं 215/55R16 16 इंच के आपको इसमें टायर मिल जाते हैं और ये कुछ नए डिजाइन का अलॉय व्हील आपको मिल जाता है। देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको प्रीमियम वाली मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पट्टी, हालांकि इसमें ये रूफ रिल वगैरह सेडान है तो नहीं आएगी, सनरूफ इसमें आती है जो कि पहले भी आती थी और अभी भी आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एल्युमिनियम में था वो पूरा मेटल फिनिश में हो गया है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है और रियर में भी कुछ ऐसा ही रहता है। रियर में आप देख सकते हैं रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, लेकिन टायर साइज आपको सेम है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अपोलो के टायर में। सबसे अच्छी बात इसकी है रियर से, रियर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वरना कुछ अंदर लिखा गया है, हुंडई का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये पूरी लाइट कनेक्टिंग आप जैसा कि फ्रंट में आपने देखा था, ऐसा रियर में भी आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। वरना SX की वेजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, 4 पार्किंग सेंसर और कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और लाइट का डिजाइन पूरा ही चेंज हो चुका है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है और ये पूरी आपको LED के सेटअप रहने वाला है। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये ब्रेक लाइट है, एक्चुअली मैं ब्रेक दबा के देखता हूँ कि ये जल रही है। तो ये ब्रेक लाइट है, आप जब ब्रेक दबाएंगे तो कुछ इस टाइप की आपको ब्रेक लाइट जलेगी। काफी लाइट का सेटअप मुझे इसमें अच्छा लगता है और ये जो इसे हमेशा की तरह और वरना जो पहले आती थी उससे भी अब इसका लंबाई और बढ़ चुकी है। और ये सब सारे डिजाइन आप देख सकते हैं कि ये पहले आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए यहाँ पे आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है और यहाँ पे डिफॉगर मिल जाता है। सेडान गाड़ी है तो उसमें आप जानते हैं कि वाइपर नहीं आता है, तो सेडान में वाइपर नहीं है। हाई माउंटेन स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिलता है और ब्रेक लाइट जो मैंने आपको जला के दिखाई वो यहाँ पे मिलती है। बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की, तो वहाँ पे क्या चीजें हैं, इसे आप दबा के और यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। बूट आप देख सकते हैं कि पहले की जैसा ही है, लेकिन इसका साइज बढ़ चुका है। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और स्पेयर टायर की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको स्पेयर टायर स्टील रिम में ही रहने वाला है। और इसके सेक्शन की बात कर लेता हूँ मैं, आपको देख सकते हैं जो कि रेगुलर टायर हैं वो अपोलो के थे, लेकिन यहाँ पे आपको गुडियर के टायर मिल जाते हैं और इसका सेक्शन भी एक साइज छोटा है। बूट लैंप इसमें है, हाँ एक्चुअली बूट लैंप यहाँ पे है जो कि हेलोजन में ही है। और ये स्पीकर वगैरह है, इसे करते हैं बंद। हर जगह आपको क्रोम जो रहता था सब मेटल फिनिश में दिया गया है। और ये गाड़ी BS6 फेज 2 के साथ आने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले रियर का कंफर्ट, भाई अगर आप सेडान ले रहे हैं तो रियर का कंफर्ट आपको देखना जरूरी ही है। तो भाई सबसे पहले रियर से बात कर लेते हैं। भाई आप अगर सेडान लेना चाहेंगे तो आपको कंफर्ट भर भर के चाहिए। डोर की बात कर लेते हैं, डोर पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेटअप मिलने वाला है। ये आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलने वाला है, हालांकि ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है लेकिन दिखता है। और विंडो का कंट्रोल और बोस के इसमें स्पीकर आपको मिल जाते हैं, एक बॉटल होल्डर और थोड़ा सा और जगह इसमें आपको मिल जाता है। सारी चीज़ें आपको एल्यूमिनियम फिनिश में दिखेंगी। जो कि पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें इतनी पन्नी लगी है कि मैं निकालूँ कैसे इसे, आप लोगों के लिए निकालना भी जरूरी है। आर्मरेस्ट आपको देख सकते हैं जो पहले आता था वैसा ही, दो कप होल्डर इसमें मिल जाता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट आपको मिल जाता है, तो अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है तो आप यहाँ उसकी सीट भी फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
प्रीमियम लुक देने के लिए यहाँ पे आपको सनब्लाइंड भी मिल जाता है, तो अगर पीछे से आपको धूप वगैरह आ रही है तो आप इसे लगा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है विद कोट हुक। और हाइट की मैं बात करा दूँ तो आप मेरी हाइट अगर चैनल पे पहले से फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडरूम काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिल पा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि भाई सेडान है, तो सेडान में पीछे वाली सीट पर कंफर्ट भर भर के मिलता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ड्राइवर वाली सीट मेरे हिसाब से फ्रंट वाली सीट सेट है। उसके हिसाब से आप लेग रूम इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम, ऑलमोस्ट 10 से 12 इंच का इसमें आपको लेग रूम मिलता है। और थाई सपोर्ट की बात करें तो उसकी तो कोई कमी इसमें महसूस होती नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाइट के हिसाब से यहाँ पे कोई कमी नहीं, और इसमें आपका पैर अंदर तक आप इसे कर सकते हैं और कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अगर आप गाड़ी में दो लोग ट्रैवल करते हैं तो ईजिली इसे एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा राइड रहने वाला है यहाँ पे आपकी। यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट वगैरह भी मिल जाएंगी। अंदर चल के अभी मैं आगे वाले सीट पे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। बात यहाँ कर ले तो यहाँ पे दो एसी वेंट मिल जाएंगे, और यहाँ पे प्रॉपर यूएसबी दो आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे जो कि यूएसबी टाइप सी है, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। थोड़ा सा बीच में हम्प मिलता है तो थर्ड पैसेंजर आप इजिली मेरे हाइट का भी बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी है कि थर्ड पैसेंजर भी ठीक ठाक से बैठ जाएगा। आपको रीडिंग लैम्प मिल जाती है जो कि एलईडी में ही है, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको पीछे से दिखाई दिया कि पीछे से अच्छा खासा सनब्लाइंड मिलता है। चलते हैं इसके ड्राइवर वाली सीट पे और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है। आ गया हूँ इसके ड्राइवर वाली सीट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिलने वाले हैं, लॉक ऑन लॉक का बटन मिल रहा है, ORVM के कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा, एक बॉटल होल्डर, अगेन दो बॉटल आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि दो बोतल आप यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा मैगजीन होल्डर आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैगजीन थोड़ा सा जगह आपको यहाँ भी देख गई है, जो मैंने अभी यहाँ पे चाबी रखी हुई है यहाँ भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट का लेवलर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। AC वेंट इसके काफ़ी अच्छे खासे दिए गए हैं, इनका फ्लो काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा कि इसमें एम्बियंट लाइट काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। और ये सारे जो देख रहे हैं ना, अभी दिन का मौसम है दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें पूरा आपको लाइट जलती हुई मिलेगी। और इसमें बात कर लेते हैं फ्रंट वाले सीट के कंफर्ट की, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल, आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और इसे आप इसका रीच भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक रहने वाली हैं, मैनुअल गियर रहने वाला है, आपको ऑटोमेटिक भी आता है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये मैनुअल हमारे साथ रहने वाला है, मैनुअल अच्छा खासा। और ये आप देख सकते हैं कि जो आपको ये कनेक्टिंग, हालांकि है तो दो पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट में, लेकिन पूरा इसे कनेक्ट किया गया है। और फुल्ली डिजिटल इसमें आपको मीटर मिल जाता है, यहाँ पे नेविगेशन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेयरिंग व्हील आपने देखा होगा कि इसके पहले आपने किसी गाड़ी में ऐसा स्टेयरिंग व्हील नहीं देखा होगा। यहाँ पर आप स्टेयरिंग व्हील देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्ट हो, लेकिन इसका स्टेयरिंग व्हील बस ऐसा ही है, तो ये काफ़ी अच्छा रखने वाला है आपको। और स्टेयरिंग व्हील इसे घुमाने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी मैं आपको पुरानी वाली वरना का भी दिखाऊंगा कि उसमें पहले कैसे आता था। बाकी इसमें सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, रिवर्स लगी गया, तो रिवर्स कैमरे का पोजीशन आप देख लीजिए कि काफ़ी अच्छा खासा इसका ब्राइटनेस है, और जो पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको लाइनिंग बनी है, काफ़ी अच्छा खासा इसका थ्रो है। और मॉडल है जिसमें आपको 360° कैमरा भी देखने को मिलेगा, वो मॉडल अभी यहाँ पर नहीं है। बाकी यहाँ से केबिन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, और इसमें आपको ये कूल्ड नहीं रहने वाला है, नॉर्मल वही रहने वाला, ना कोई इसमें चार्जर मिलना है। यहाँ बात कर लेते हैं, दो कप होल्डर रखा गया है, हैंड ब्रेक आपको मैनुअली मिलेगा यहाँ पे, और ये पार्किंग की लाइट है ये, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो अपना फ़ोन वगैरह रख के आप इसे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एक टाइप सी और एक USB यहाँ पर दे दिया गया है, और इसे जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटपुट भी आपको दे दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पे आपको जो मैं बोल रहा था ना, वेंटिलेटेड सीट है इसमें, तो ये है इसका वेंटिलेटेड सीट का, तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, इसी मिलने वाला है इसमें। और यहाँ पे आप अपना फ़ैन कम कर देता हूँ, यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं, हज़ार लाइट के बटन यहाँ पर मिलते हैं, और ये AC वेंट आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। एयरबैग का साइन आपको यहाँ पर दे दिया गया है, गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग आता है, तो सीट में तो एयरबैग मिलता ही है, साइड एंड कर्टन एयरबैग भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे दो एयरबैग मिल जाते हैं। SOS की बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है। यहाँ पे बात कर लें तो पूरा ही LED का सेटअप मिलने वाला है आपको, LED लाइट मिल जाती है, और सनग्लास होल्डर आई थिंक मुझे नहीं दिया गया इसमें, नहीं है, जो कि देना चाहिए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैनिटी मिरर दिया गया है जो कि ठीक ठाक सा है, और ये एक्सटेंड होता है, एक्चुअली ये एक्सटेंड नहीं होता है, ये बड़ी इधर का करके देख। और ड्राइवर साइड में भी भाई दिया गया है वैनिटी मिरर, तो ड्राइवर का भी पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है, एक्सटेंड नहीं हो रहा है ये। और इसके अलावा इसमें अच्छी बात यह है कि भाई सनरूफ हमने देखा ही था, सनरूफ इसमें आई गई है, ये है कुछ सनरूफ की क्वालिटी, छोटा सा ही सनरूफ दिया गया है। इसे कर देता हूँ बंद, बाकी काफी गर्मी है बाहर। अब सनरूफ लीक वीक होने का तो चांसेस इसमें नहीं है भाई, ये हुंडई है, बाकी देखेंगे इसका कभी ऐसा हो तो। यहाँ पे अब बाकी काफी प्रीमियम है, मेरे से क्या छूट गया, यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी खासी है। बोस के स्पीकर जो मैंने आपको कहा यहाँ पे सब ऊपर भी एक दिया गया है, और चारों स्पीकर, चारों डोर पे स्पीकर दिया गया है, डिक्की में स्पीकर दिया गया है, और ये दोनों साइड आप देख सकते हैं कि ट्विटर आपको दे दिया गया है। इसे कर देते हैं बंद। ग्लोव बॉक्स की बात करूँ तो अच्छा खासा इसमें ग्लोव बॉक्स दिया गया है आपको, और ये कूल्ड भी रहने वाला है, यहाँ पे कूल्ड भी रहने वाला है। ये सारी चीज़ें इसमें रख देते हैं, इसका मैनुअल वगैरह रखा हुआ है। बाकी ड्राइव इसमें नहीं करेंगे, ड्राइव की वीडियो आएगी नेक्स्ट बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुल्ली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका आ गया है, डोर अभी खुला है दोनों, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा देता है कि ये गाड़ी कितना दूर चलेगी। अभी इसमें इतना फ्यूल है 650, तो काफी अच्छा खासा है। आउट टाइम टेम्परेचर आपको दिखा देता है, फ्रंट में जैसा कि पार्किंग सेंसर एक्टिव हो गया, जैसे एक व्यक्ति जा रहा था तो फ्रंट में पार्किंग सेंसर एक्टिव हो गया। सीट बेल्ट के यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, फ्यूल का यहाँ पे दिखा देता है, इंजन टेम्परेचर का यहाँ पे दिखा देता है, ये आपका आरपीएम मीटर, तो आरपीएम जैसे रेस देते हैं कुछ यहाँ पे इसका स्पीडो का चेंज भी होता है, ये कलर भी। तो ये यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑटो वाइपर और यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प आपको मिल जाएंगे, इंडिकेटर आप यहीं से जला सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाए, यहाँ पे आपको बटन कॉल उठा सकते हैं, काट सकते हैं, और ये वॉल्यूम वगैरह का है इधर में आपका, और यहाँ से आप अपना कॉल वॉल वगैरह उठा सकते हैं, और वॉइस कमांड आपको देना है, क्रूज कंट्रोल का भी आप यहीं से क्रूज कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं। बाकी स्टेयरिंग की बात करूँ तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, तो आप देख सकते हैं कि ये टिल्ट और इसे टेलीस्कोपिक दोनों अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, हालांकि है तो प्लास्टिक ही, लेकिन छूने से फील काफ़ी अच्छी खासी आती है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें एम्बियंट लाइट हर जगह आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे ये पूरी एम्बियंट लाइट है, पता नहीं दिन में आपको कितना ही दिख पा रहा हो, लेकिन इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई थिंक चलिए इसका मैं आपको बोनट खोल के दिखा देता हूँ कि BS6 फेज 2 इंजन आपको कैसा। तो गाइस ये है वर्ना का BS6 फेज 2 इंजन, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर है, ये देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा इसका सेटअप रहने वाला है। और वाइब्रेशन की बात कर लूँ तो भाई काफी कम वाइब्रेशन इसे मैं फील कर रहे हैं, मैंने पुरानी वाली भी वर्ना चला रखी है, लेकिन उसमें और इसके इंजन के सेटअप में काफी मुझे अंतर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख गाइस ये है वर्ना कुछ नई वाली, आपने देखा कि ये इसका ऑटोमेटिक नहीं, इसका मैनुअल मॉडल था, और कुछ इंजन का सेटअप आपने देखा कि इंजन काफी अच्छा। ऑन रोड इसकी प्राइस की बात करूँ तो लगभग 17 लाख रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है रायगढ़ में। तो अगर आपको ये कार अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं गोयल हुंडई पे, जो कि है रायगढ़ में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।